गौतम गंभीर ने दिया महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बड़ा बयान। कह दी यह बात भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खराब फॉर्म इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी सवाल पर गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और एशिया कप में भी उनके बल्ले से कोई करामाती पारी नहीं निकली। महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे तो अच्छी है आप दिखा रहे हैं, लेकिन विकेट क्या के बल्लेबाज में बिल्कुल नतमस्तक दिखाई दिए। इसी सवाल पर जब भारतीय ओपनर गौतम गंभीर से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि आप जब तक अच्छा प्रदर्शन करते रहोगे तब तक टीम में रहोगे, यदि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो आपको टीम में रहने का कोई हक नहीं है और मुझे उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने का सही समय होगा, दुग्ध मम्मी ने कहा यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उम्र कोई मायने नहीं रखती, जब तक खिलाड़ी खेल सकता है और फिटनेस उनकी अच्छी रहती है तो उसी क्रिकेट खेलना चाहिए और महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस तो लाजवाब है। इसके बाद जब गौतम गंभीर से वर्ल्ड कप 2019 की फेवरेट टीम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें कोई फेवरेट टीम नहीं है, मैं जरूर जाएंगे कि बार 2019 का वर्ल्ड कप जीते, लेकिन फेवरेट टीम बहुत सी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की मजबूती में है और कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकता है, मैं चाहूंगा कि भारत ही वर्ल्ड कप जीते। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी खराब फॉर्म की वजह से ही अब झारखंड की तरफ से विजयजारी ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैं अपनी बल्लेबाजी में सुधार करके फॉर्म वापस पाना चाहते हैं।